तीरथनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रेयर किया गया है कि रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच हो। दूसरा, पंकज मिश्रा जो बहुत बड़ा माफिया है, जो अभी की जो सरकार के राइट हैंड है साहेबगंज में, उसके द्वारा किए जा रहे घृणित कार्य, इलीगल तरीके से एक्सटॉर्शन, पत्थर के खदान का ट्रांसपोर्ट चिपस्टोन का, बालू का जो है ट्रक्स जो है बेचे जाते हैं इलीगली, और मवेशी, ये व्यापार से ये आदमी जुड़ा हुआ है। और इसी के द्वारा एक डहू यादव है माफिया, उसके साथ मिल करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके, जिसमें अभी जो है उसका काम एक आदमी देखता है, वो है डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा। ये सारे लोगों ने रूपा तिर्की को केस नहीं मैनेज होने के चलते मार के टांग दिया, और टांगने के बाद यह शो किया गया कि इसने आत्महत्या की है। और ये देखा जा रहा है कि ये लोग टाइम टू टाइम कुछ क्लिप्स जो है, ऑडियो क्लिप्स, उसका जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस है उसके और किसी बच्चे लड़के के बीच में, ये लोग सीज होने के बावजूद भी उसको ये लोग बाहर निकाल रहे हैं, उसको मीडिया में दे रहे हैं। ये गलत है। ये पंकज मिश्रा और इनकी सारी प्रॉपर्टी की जांच सीबीआई तो करेगी ही, रूपा तिर्की और के मामले की जांच, और ईडी जो है वो इनकी प्रॉपर्टी की जांच करे, क्योंकि एफआईआर हो चुका है और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को हम लोग प्रेयर किए हैं कि वो भी इस मामले को टेकअप करे। और पंकज मिश्रा की जो है सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स, जो अन्य प्रॉपर्टी के डिटेल्स अब हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से डालेंगे, उस पर त्वरित जांच करें और उनको अरेस्ट किया जाए।